तरह कुछ इकरार खामोशी से किए जाते हैं ना साले, इसी तरह कुछ इनकार भी खामोशी से किए जाते हैं। मुझे तो इस लड़के की खामोशी से खौफ आ रहा है। तूने ऐसा क्या देख लिया जो तू रो रही है? तेरे बाप को अपनी पीरजादी बीवी से प्यार करते हुए आपको अंदाजा नहीं, आपके इस फैसले ने मेरे अंदर कितनी जिंदगी भर दी है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पीर साले के हवाले कर दूंगा? नूर अफरोज, जल्दी से मेरे कमरे में, मुझे तुम्हें इंतहाई अहम खबर सुनानी है। क्या इतनी खुशी की खबर है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर है ये। एहरा मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, अभी बताया उन्होंने मुझे। ओह गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मेरी दिल की इतनी बड़ी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। कुछ तो कहो तुम, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, तुम्हें लेके यहीं खड़ी हो गई। चलो ना मेरे कमरे में चलते हैं, चलो चलो ना, लो बैठो। नूर अफरोज, तुम्हें पता है वो कह रहे थे कि जिस दिन वो यहाँ आए उन्होंने मुझे देखा और उसी दिन उन्हें मुझसे प्यार हो गया। हैरत की बात तो ये है नूर अफरोज कि उसी दिन मुझे भी वो अच्छे लगे, और मेरे सोचने का अंदाज ही पलट गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उन्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है। लो बताओ, सारी कजन्स कह रही थी कि एहराम सिर्फ तुम्हारे साथ ही जचता है। बस नूर अफरोज, तुम दुआ करो ये सारे मामलात आसानी से तय हो जाए। वैसे भी राबेला पे तो इंटरेस्टेड ही नहीं है एहराम में, और अब तो हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब हो जाएगा? जी पता नहीं, जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। और उन्होंने कह दिया है कि वो किसी भी सूरत मुझे मुझे साले का होने नहीं देंगे। तुम्हें पता है वो कह रहे थे कि जिस दिन वो यहाँ आए उन्होंने मुझे देखा और उसी दिन उन्हें मुझसे प्यार हो गया। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा तो तुम मुझे नफरत से घूर रही थी, और मैं तुम्हें देख के मुस्कुराई जा रहा था। बस उसी वक्त से मोहब्बत और नफरत की एक अजीब सी कशिश शुरू हो गई थी। तुम्हारे चेहरे पे छुपी नफरत मेरे दिल में छुपे तूफान को और उकसा रही थी। देखो अब पता चला कि वो नफरत भी बिला वजह थी और मोहब्बत भी, दोनों की गायबाना वजह एक ही थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीबी अजीज जो थे। सब झूठ। जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। और उन्होंने कह दिया है कि वो किसी भी सूरत मुझे मुझे साले का होने नहीं देंगे।
सब झूठ। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें तसल्ली देने के लिए, तुम्हें ये बताने के लिए कि ये बुरे दिन जल्द खत्म हो जाएंगे, और चाहे दिन अच्छे हो या बुरे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। सब झूठ। हाँ, सब झूठ ही होता है, जो भी कहा जाता है बकती होता है, दिल लगी होती है। जो तेरे मेरे जैसों के दिल की लगी बन जाती है। मैंने तो मना किया था, मुझे तो प्यार करना ही नहीं था, उसने मजबूर कर दिया, जबरदस्ती घसीट के ले गया। बीच रास्ते में मेरा हाथ छोड़ के कुटी बीबी का हाथ थाम लिया। उसकी शान वाली है ना अम्मा, मैं तो उसके जोड़ की कभी थी ही नहीं, फिर क्यों उसने मेरे दिल के साथ ऐसा किया? रो ले नूरा फिरोज, रो ले। रात की तारीकी में लकी महल के बासियों से छुप के जितना रो सकती है रो ले, इतना रो के तेरे आंसुओं से दिल पे बनी उसकी तस्वीर धुल जाए। खाली करते अपने दिल को। किथे शान तेरी, किथे मैं कामली, मैं की साकी बनाने आवे, फेरे शक दे हुसन दी झोली। मैं किसी भी सूरत में राबेल से शादी नहीं करूंगा, चाहे सारा खानदान जमा हो जाए। चाहे सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, चाहे मुझे खानदान से निकाल देने की धमकी ही क्यों ना दे दी जाए। तेरी इस मेहरबानी का मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं? तू वाकई 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। मेरे दिल की बात जो मेरी माँ नहीं जानती थी वो तू जान गया, और तूने मुझे नवाज भी दिया। हे परवरदिकार, तेरा लाख लाख शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं है उसका नाम लेने की, तू भूल गई उसने तेरे साथ क्या किया? फिर भी एक झलक तो देख लूं। पड़ी रह चुपचाप, खबरदार जोठी। तो अम्मा काली, अम्मा काली, मेरे लिए जूस का ग्लास ले आए।
मैं जाग गया हूं, आप भी जाग जाए। अम्मा काली कहां रह गई आप? सहयो ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, इंज लगता है जे मेरा आंचण मैनू हीर बनावण आ गया। सहयो ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, इंज लगता है जे मेरा आंचण मैनू हीर बनावण आ गया। अम्मा काली कहां रह गई थी आप? मैं सत्के में अभी लेकर आई। अच्छा जल्दी कीजिएगा, मुझे नहाना भी है। हाय ब्यूटीफुल, कौन सा मोहब्बत में देख रही हूं, कम से कम देख के शर्मिंदा तो करूं इसे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। जो मालूम होता अंजाम उल्फत तो दिल को लगाने की कोशिश ना करते। अम्मा काली मैं अपने कमरे में हूँ, मेरा नाश्ता नूर अफरोज के हाथों मेरे कमरे में भिजवा दे। अम्मा काली कब मिलेगा नाश्ता? मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। आगे छोटे सरकार आ गया। जानू रफोस, तुम छोटे सरकार को नाश्ता दिया हो। किलो पकड़ो, मैं सफाई करती हूँ। ठहरो नूरा फरोज, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं दे आती हूँ। तुम वो काम करो जिसके लिए हम बने हैं, तुम सफाई करो। नाश्ता हाजिर है छोटे सरकार। आपने क्यों तकलीफ की, कोई और भी ले आता। आप नाश्ता कहाँ करना पसंद करेंगे, कमरे में रख दूं? Thank you.
ये नूरा फिरोज की पायल, शायद गलती से आपके हाथ आ गई। नहीं, मैंने ये सोच समझ के लिए। लकी महल के बड़े बच्चों को समझदार नहीं समझते। मैं बच्चा नहीं हूं। हर मोहब्बत करने वाले को उसके घर वाले बच्चा और बेवकूफ समझते हैं। हकीकत में ठीक ही समझते हैं छोटे सरकार। मोहब्बत है ही बचपना, और हकीकत में मोहब्बत सुतेली माँ जैसी होती है। वो जब दो चांटे मारती है तो बचपना खुद ही दिमाग से निकल जाता है। मेरे मामले में हकीकत मोहब्बत की सगी माँ है, और वो ये है कि नूर अफरोज मेरी चचाजाद है, और मुझे उससे मोहब्बत करने से या फिर शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस लड़की को बाप का नाम नसीब नहीं, चचाजाद का प्यार कहां से नसीब होगा? छोटे सरकार, मेरी बेटी पे रहम करें। मैं उन रास्तों से चल के आई हूं जो बहुत कठिन थका देने वाला होता है। अकेले काटने वाले की जिंदगी कट जाती है पर मंजिल नहीं मिलती। मैं उसे यहां लाई थी कि वो एक आला खानदान की अमानत थी। उसका मालिक जिससे चाहे जोड़ जोड़ दे, इसलिए नहीं कि एक और बनकर लकी महल की दीवारों में गुमनाम जिंदगी गुजारे। आप लोगों में शायद कुदरत ने कशिश रखी है। इंसान अपना माजी, हाल, मुस्तकबिल सब कुछ मार देता है। आप उसे बुलाना छोड़ देंगे तो वो बेचैन होके आपकी जन्म नहीं खींचेगी। जिस ताल्लुक की कोई शक्ल ना बन सके, वो सिर्फ एक जख्म बन जाता है, और जिसे लग जाए वो पशेमान मुंह छुपाए फिरता है। आपकी मंगनी हो चुकी है, मांगा आपको कोई और रहा होगा। और नसीब मैं हूं नूर अफरोज का? ना सरकार, नसीब में ही तो नहीं है आप उसके। आप उसके नसीब में हो ही नहीं सकते। आपका खानदान, हसब नसब, आपके रिश्ते, कोई भी चीज आपको उसका नसीब नहीं बनने देंगे। नसीब तो हमारा भी लिखा हुआ था, फिर हालात और वाकियात ने उसे धुंधला कर दिया। इतना धुंधला के नसीब का लिखा हुआ किसी को नजर ही नहीं आता। मेहरबानी करके मेरी बेटी को बख्श दे। उसका बाप उसके लिए कुछ और ही सोच रहा है, कुछ ऐसा जो हम जैसो जैसा मिलता जुलता हो। मैं उस बर्बादी की तारीख दोहराने नहीं दूंगी छोटे सरकार। ये
पीतल की बाजे, इनके रिश्ते भी पीतल के ही होते हैं। और सोने जैसे लोगों को पीतल के रिश्ते जेब नहीं देते। आप प्लीज मेरा भरोसा तो करें, ये मुझे दे दें। ना सरकार, मेरी बेटी नहीं, बल्कि कम नस्ल बदनसीब की बेटी नहीं। आप मुझे आजमाए बगैर रद्द कैसे कर सकती हैं? आजमाया बराबर के लोगों को जाता है, हमारा आपका क्या जोड़? ऐसी ही एक बाजे मेरी भी बड़े सरकार के पास थी। तो फिर? फिर क्या? बीस साल का सफर काट के वापस पैर में आ गए और अपने साथ मोहब्बत की सारी पुरानी यादें समेट ला, जैसे किसी दफ्तर का सारा खाता हिसाब किताब ही खत्म कर। मैं आज भी उसी ही मलका के रूप में खड़ी हूं जिसमें लखी महल में काम करने आई थी, बगैर किसी रिश्ते के, बगैर किसी नाम के। उसके बाप ने उसके लिए जो भी घर चुना है उसमें कम से कम मेरी बेटी किसी पहचान से तो रहेगी। आप उसके रास्ते से हट जाए छोटे सरकार। सारी दुनिया के सामने उससे शादी करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता छोटे सरकार। उसके बाप ने साफ लफ्जों में मुझे कहा कि तेरी बेटी छोटी जात की है। क्योंकि उसकी मां छोटे घर की है, मैं उनका कोई कसूर नहीं। अब छोटी जात है सो है। छोटे सरकार, ये जो मोहब्बत का नशा होता है ना, ये चढ़ते वक्त आदमी की शान मान नहीं देखता, पर उतरते वक्त से अपनी औकात याद दिला देता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, अब इस तूफान को यहीं रोक दे। राम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। किसी और चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा छोटे सरकार। तुम भी ठहरो।
तुम अंगारली के बेटे से मिले थे? आप इतना कुछ सुनने के बावजूद मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस लड़के की रिपोर्ट दो। अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। अखलाक के लिहाज से कैसा था? अच्छा था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। जितनी तालीम वो बता रहा था उतना लायक भी नजर आता था। मेरा मतलब है मेहनती था। तुम्हें वो सुस्त या लालची तो नहीं नजर आया? मुझे उसमें ऐसी कोई भी बात नजर नहीं है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें कैसा लगा। तुम तैयार रहो और मेरे साथ चलो। आज हम उनके घर जाएंगे और अगर वो लोग हमें ठीक लगे तो जल्द ही कोई फैसला कर देंगे। और मेरा वादा है कि मेरी बेटी को वो तमाम तर राहतें हासिल होंगी जो पीर बख्त सुभान की बेटी का हक है। मैं इस लड़के को सोने में तोल दूंगा ताकि मेरी बेटी एक शानदार जिंदगी गुजार सके। तैयारी पकड़ो। कहाँ गए थे आप? मैं बता के गया था बीबी, अहराम के साथ कहीं जाना था मुझे, उससे तैयार होने के लिए कहने गया था। रुको। जी बीबी मुर्शी। तुम दोनों ऊपर क्या कर रही थी? जी मैं वो नाश्ता लेकर गई थी छोटे सरकार के कमरे में। और तुम क्या कर रही थी ऊपर? ये जी सफाई कर रही थी। अभी सफाई मुकम्मल हो गई, अब हम बर्ची खाने जा रहे हैं। चल नूरा फिरोज मेरी मदद करा। नूरा फिरोज को पता नहीं क्या हो गया, बड़ी गुमसुम रहने लगी है। गुड्डी कहाँ है? अपने कमरे में, बड़ी सोई है। जी नहीं, मैं जाग गई हूँ और बाहर भी आ गई हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? आप आज बड़ी जल्दी उठ गई। बाबा अब मैं रोज ही जल्दी उठा करूंगी, और जब तक कॉलेज नहीं लगता सोच रही हूँ कि अम्मा के साथ घर संभालने में मदद भी कर दूं, और तो और कुछ कुकिंग भी सीख लूंगी। वाह। और खैर से इस इनकलाब की वजह क्या है? एहराम? बाबा एहराम आ रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो कौन सा गैर है जो तुम्हें देख के हंसेगा? नहीं बाबा, मैं कभी भी उसके सामने इस हुलिये में ना जाऊं। मैं चलती हूँ।
ताया सरकार, मैं तैयार हूं। हमें कहीं जाना था। चलो। ये मसाला पकड़ा मुझे। नूरा फिरोज, मसाला पकड़ा मुझे। सरकार, मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ चलो। पता चला जलते कैसे? ऐसे ऐसे जलेगी तू नूरा फिरोज, पर इस तरह तुझे चीखने की इजाजत नहीं होगी। और जलाने वाला आग लगा के बड़ी सी गाड़ी में बैठ के अपनी खानदानी बीवी के पास चला जाएगा। तू बस सिर्फ उसकी रसवाई का सबब बनेगी। इसलिए मेरी मां, तू अब अपनी आंखों पे कंट्रोल कर, और जिससे तेरा बाप मिलने गया है, तेरा जोड़ जोड़ने गया है, तू चुपचाप उससे जुड़ जा। तू पता है क्या है? तू है आधी पीरजादी और आधी मलकाजादी। तू आधी सफेद है और आधी स्याह। और तेरे लिए भी कोई ऐसा ही आएगा, आधा तीतर आधा बटेर। कैसा होता अम्मा अगर मैं इस औरत की बेटी होती? लड़का खूबसूरत है, तमीज़दार है, और सबसे बढ़ के पीरों की नस्ल है। हाँ बस उसकी माँ और तुम। उसकी माँ और मैं दोनों एक जैसे नीच है।